कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे गुरु गोविंदा गोकुला कृष्ण बलदेव नंद यशोदा जय हो जय परम आराध्य तम पति पावन परम प्रणाम श्रील गुरुदेव महाराज की जय परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय श्री श्री भजन रहस्य हमने श्रवण किया है। कल श्रवण किया था कृष्ण नाम सुन करके होम वृंद नृत्य करते हैं गुरुदेव के बारे में श्रवण किया। आज कहते हैं समस्त आत्मा किस प्रकार से सराबोर हो जाती है भगवान के नाम में कैसे डूब जाती है। भागवत में लिखा है क्या द्वादश स्कंद के द्वादश अध्याय के 47वें श्लोक में संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः श्रुत्यानुभावो व्यसनम हि पुंसां। व्यसनम प्रविश्य चित्तं विदुनोत्यशेषं यथा तमो अर्क अभ्रमीवाति वातः। उसमें क्या अर्थ दिया है देखना होगा। कहते हैं संकीर्त्यमानो जो भगवान के भगवान अनंत अनंत भगवान के कीर्तन में लगे हुए हैं कीर्तन संकीर्तन में लगे। संकीर्तन का मतलब गुरुदेव कहते हैं सम्यक कीर्तन नाम रूप गुण लीला धाम आदि परिक्रमों के सहित भगवान का कीर्तन संकीर्तन है। मतलब केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण केवल ये कीर्तन महामंत्र है ठीक है एक महामंत्र कीर्तन हो सकता है लेकिन महामंत्र संकीर्तन या तो भक्तों के साथ मिलित होकर के हो या महामंत्र करते हुए महामंत्र की महिमा का वर्णन करते हुए मनी मन मन जो करता हो तो देव की कृपा है उस जीव पे। क्योंकि मैंने देखा कई मेरे गुरु भाई गुरु बहनों को और सुंदर उन लोगों का लगा वो गुरु जी के साथ करते हैं कर रहे हैं अपना दिमाग बस चल रहा है लेकिन यही ऐसे जैसे कि कोई बछड़ा गुरु जी के पीछे पीछे चल रहा है गुरु जी आगे आगे चल रहे हैं। किसी किसी का है कि भाई वो गुरुदेव बैठे हुए हैं वो हरिनाम कर रहे हैं इस तरह के भाव हैं। कोई गणराज जी की परिक्रमा लगा रहा है ऐसे करके अपने गुरु भाइयों की तो कई गुरु बहनों की ऐसी बात है नाम बोलने से मेरे को फिर डांट पड़ेगी नाम नहीं बोल सकते ऐसी स्थिति है। मैं दूसरे लोगों की बात बोलता हूं। चंडीगढ़ में पंचकुला में एक सज्जन है बुजुर्ग हो गया तो वो अपने घर से निकलेंगे ऐसे शहर के लिए जहां उनकी सोला माला होगी वहां से वापस सवेरे सवेरे निकलते हैं चाहे ठंडी हो गर्मी हो सवेरे से निकले एकदम जहां सोला माला होगी वहां से वापसी। और उनका क्या भाव रहता है आंखें निगाहें उनकी चार पांच कदम आगे रहती बस और वो निगाहों में यही भाव रहता है कहते महाराज जी मेरे को कभी लगे ही नहीं
ये बात मैंने किसी से बोली नहीं, आपसे बोल रहा हूँ। तो मेरे को कभी लगा ही नहीं कि भी मैं चंडीगढ़ में हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है मैं उनकी परिक्रमा कर रहा हूँ वृंदावन की, जहाँ कभी गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूँ। उनके घर कीर्तन था, बड़े दिव्य भाव वहां प्रकट हुए, तो उन्होंने दिल खोल के बात की। कई लोग हैं ऐसे, एक दो तो जो लोग गुरु जी कहते इस बात को बार बार बोलते थे, हे लीला चिंतार करो संकीर्तन, हरिनाम करते हैं तो चिंतन करना चाहिए। जो आज हम सुन रहे हैं, ये सुना वो नहीं सुना एक बराबर है, भूल गए क्या था, चिंतन करना चाहिए तब जाकर के। तब बोलते हैं प्रविश्य चित्तम विधनो तत् विधु नो तत् अशेषम, कहते ये जो नाम है ये भीतर प्रवेश करके यथा तमो अर्को भ्रम भ्रमी वाति वाद, जैसे अंधकार को अर्क सूर्य जो है उसका आभास ही नष्ट कर देता है। सूर्य की किरणें जब प्रवेश करती हैं तो दिव्य उसमें चमत्कारिकता दिखलाई देती है अंधकार के भीतर, ऐसे ही जैसे कि बादलों को आंधी तितर बितर कर देती है, ठीक उसी प्रकार भगवान जीव के हृदय में आते ही उसके अपराध अनर्थ कुटिनाटी कृष्ण वासनाएं सब नष्ट हो जाती है, जिससे कृष्ण नाम आश्रित जनों का चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। श्री कृष्ण नाम आश्रित जनों का चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है, तथा वह अति शीघ्र अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि करने लगता है। देखिए ये बात है, श्रुत अनुभूत यत अनर्थ संयोग, श्री कृष्ण संकीर्तने सब हयतवियोग, जे रूप वायु ते मेघ सूर्य तम नाशे, चित्ते प्रवेशिया दोष अशेष विनाशे। कृष्ण नामाश्रय चित्त दर्पण मार्जन अति शीघ्र लभे जीव कृष्ण प्रेम धन, इस प्रकार से कहते हैं। श्रुत अनुभूत जत अनर्थ संयोग, हमारा संयोग अनर्थों से कैसे होता है? अनर्थ मतलब किसे, अनर्थ किसे कहते हैं, अर्थ किसे कहते हैं, अर्थ आप लोग नहीं बोलो, फटाफट मालूम है नहीं मालूम, नहीं मालूम सिर हिलाओ, इधर उधर दिमाग बंद चलाओ, ठीक है। अनर्थ किसे कहते हैं आपको, नहीं कोई चीज गलत हो जाए, ठीक छोड़ा था ठीक, अनर्थ किसे कहते हैं अनर्थ किसे कहते हैं, शब्दिक अर्थ क्या है ये नहीं मैं पूछ रहा हूं कि कितने प्रकार के मालूम है या नहीं, अनर्थ किसे कहते हैं, मत आप अनर्थ बताओ, वो कोई भी गलत काम को अनर्थ कहते हैं, कोई भी गलत काम को अनर्थ कहते हैं। चल शास्त्री तू बोल अनर्थ किसे कहते हैं, चित्त के संस्कार, चित्त के संस्कार जो है बुरे, चित्त के संस्कार अनर्थ किसे कहते हैं, बुरे वाले। माता जी आप बोलो, अनर्थ शब्द का अर्थ ध्यान रखना आगे, क्योंकि अर्थ मतलब होता है जरूरत, स्वार्थ अपनी जरूरत,
परमार्थ परम जरूरत, अनर्थ जिसकी जरूरत नहीं है। क्या नहीं है जरूरत? भक्ति के प्रतिकूल कार्य, ये एक बात है। लेकिन अनर्थ कितने प्रकार के हैं कौन बोलेगा? क्यों नहीं? चार प्रकार आपने, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था कौन बोलेगा, उंगली करी करने थी। आगे के लिए याद रखना, भले ही एक आदमी बैठे या ना बैठे, इस डर के मारे अगर तुम लोग नहीं बैठोगे तो तुम कभी स्मरण भी ना करोगे। अनर्थ चार प्रकार के, कोई एक अनर्थ का नाम मालूम है? नहीं मालूम। अब इसे याद करना बेटा, लिखना, कोई बात नहीं, मैं कोई डंडा नहीं मार रहा। मैं जो बात बोलता हूँ सिर्फ इसलिए बोलता हूँ, कम से कम किसी डर के मारे, किसी प्यार के चक्कर में कि मारे सानू प्यार करेंगे, उसी लिए से घट तो घट याद कर लो। चार अनर्थ हैं। पहला अनर्थ क्या है आप बोल? स्वरूप ब्रह्म, सो गया याद नहीं आ रहे, सुने तो बुद्धि सुन्न हो जाती है। वैसे मेरा चेहरा ऐसा डरावना, उसके बाद में मैं पूछने लग जाऊं तो बंदा गायब हो जाता है। ऐसा ना है, अरे चेहरा अच्छा चेहरा, ऐसा ना है, अपराध। हाँ, चार अनर्थ हैं जिनकी जरूरत नहीं है और ये चिपके हुए हैं। सबसे पहला है स्वरूप ब्रह्म। स्वरूप ब्रह्म मतलब मैं स्व अपना रूप जैसा है उसे भूल करके, पर दूसरा ये इसको समझा है कि मेरा रूप है, ये पर रूप है, ये दूसरे का रूप है, मेरा नहीं है, मैं कैसा हूं इसको भूलना, स्वरूप ब्रह्म। ये अनर्थ है, ये सबसे बड़ा अनिष्ट है, सबसे बड़ा अनर्थ है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये साथ में स्वरूप ब्रह्म, उसके बाद असत तृष्णा, उसके बाद हृदय दुर्बल्य, उसके बाद ये क्रमशः है। ठीक है, इस विषय में फिर भगवान गुरुदेव की कृपा से चर्चा करेंगे। फिलहाल आज का जो यहाँ चल रहा था, कहते हैं कि इससे जो है अशेष जो हमारे दोष हैं वो दूर हो जाएंगे और शुद्ध अनुभूत। ये अनर्थ हमारे में प्रवेश कैसे करते हैं? श्रुत अनुभूत, सुन करके, ये तू गोरा है, बड़ा गोरा गोरा, हे तू भगवान का दास है, जन्म से ही कान में ये भगवान कौन, वो सबके कारणों के कारण है, शरीर नहीं है तू, श्रुत। इससे अनर्थ दूर होते हैं और इसी से अनर्थ, गुरुदेव बोलते थे वर्ड हैज ए ट्रेमेंडस पावर, बाय ओनली साउंड वी कैस्ट बाय माया। हम सिर्फ शब्द से ही माया में फंसे और शब्द से ही निकलेंगे। पूरी कहते माया के शब्द से फंसे, कृष्ण का संबंध रूपी शब्द सुनने से निकलेंगे। हम तो बहुत सुनते हैं, तो थोड़ा ध्यान भी कर लो। ज्यादा नहीं, मैं आप लोगों को आज मैं एक सिलेबस छोटा सा दे रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोक, प्रणाम मंत्र सारे, कृष्ण हित चतुर्मुख वगैरह, उनको अगर याद कर सके अच्छा है, नहीं तो उसको डेली रूटीन में करें। जो अनर्थ है वो, जो अर्थ है वो, अनर्थ जो नहीं चाहिए, अर्थ जो चाहिए, इन दोनों को याद कर लो और हरिनाम करते हुए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु जो मेरी जरूरत है क्या है? वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण प्रसन्न। साधु संगे नाम यही मात्र चाहिए ना, संसार जीने तैयार कौन वस्तु नहीं। साधु संगे कृष्ण नाम जा कुछ भी है, मैं भूल रहा हूं, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, संसार जीने तैयार कौन वस्तु नहीं।
भक्तों के संग में भगवान का नाम बस यही चाहता हूं, और संसार से जीतने के लिए कोई भी वस्तु की जरूरत, ये छोटी सी बात है ना। तो इसके लिए बाकी अगल बगल की दो चार चीजें याद कर लो, पांच ज्ञान इंद्रियां, उन ज्ञान इंद्रियों के विषय कृष्ण, पांच कर्म इंद्रियां, छह मेरे जो है शरणागति के क्या लक्षण होने चाहिए, मेरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जो मेरी जरूरत है, छह गुण जो है, छह मेरी जरूरत है, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मैं अपना हृदय जो है भगवान के लिए बना पा रहा हूं, ये दिमाग में रखो, हरिनाम करो, सारा काम हो जाना। इतने बड़े ग्रंथों का मतलब अगर समराइज करके दो चार चीजों में बतला दिया जाए, हमारी इंद्रियां इनके विषय कृष्ण, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, अनर्थ कितने हैं, अर्थ क्या जरूरत है मेरी, वो अर्थ, ये सब चीजों को जान लो, हरिनाम करो, इतने ही बहुत है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम शमनस्तम नमामि हरिं परम। जिनके नाम के संकीर्तन मात्र से पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, उन भगवान के श्री चरणों में मैं आत्मसमर्पण करता हूं। जिनका जिनके चरणों में प्रणाम करने मात्र से ही दुख से शांति मिलती है, ये तो भगवान के चरणों में करने से मिलती नहीं, मिलती मालूम नहीं, हमने तो गुरु जी के चरणों में करने से तो अनुभव किया। एक बार की घटना याद आ गई, मैं बहुत परेशान था, बच्चा था, चित्त में बड़ा उत्पात हो रहा था। मैंने लेटर लिखा गुरु जी को, लिख करके उसको रखा, मैं अब इसको कल को डाल दू। और मेरी आदत थी, मैं कभी भी गंदगी तो मैं और अच्छे ढंग से खोल के रखता था, कभी मेरा कोई अनुभव जहां अच्छी चीज वो मैं कभी भी सामने प्रस्तुत नहीं करता, आज तक नहीं मेरी आदत हुई। अब गुरु जी के साथ जो मेरे संबंध है या प्यार है, जो उनके साथ मेरा आंतरिक और बाहरिक रिलेशन है, वो मैं इन्वाइस नहीं करना चाहता। मैं गंदगी को रखता नहीं, इसलिए कि वो रही ना, बोलो वृंदावन लोग चाट लेंगे तो अच्छा होगा। तो गुरु महाराज जी के लिए लेटर लिखा, प्रभु जी रात को लेटर लिखा, अगले दिन हल्का सा शायद कोई स्वप्न आया, मेरे को स्वप्न कुछ नहीं याद है। अगले दिन सुबह उठा बिल्कुल फ्रेश, जैसे कि नया बच्चा जन्म होता है और उसका कोई भी ख्याल नहीं है। मैंने कहा वाह, तो गुरु जी ने स्वीकार कर लिया, वो लेटर को जमुना जल में बहा दिया कि मेरे गुरु जी के पास। देखिए प्रकृति आपके साथ है, जहां आप रह रहे हो वो धरती है, आपके पैर कहां लग रहे हैं, धरती पे लग रहे। मैं ये बात कहता था अपने कई गुरु भाइयों को, उनकी समझ में नहीं आया। अब जो है ठीक है, अब हम ऐसे महापुरुष धरती पे रहे नहीं होंगे, दो चार छह इधर उधर कहीं ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं बोलता था, मैं कहता था कई गुरु भाइयों को, मैंने बोला जो लोग थोड़ा किसी के प्रताड़ित करने पे, किसी के दुख देने पे दुखी होते थे, उनको मैं बोलता था, मैं कहा जब तुम साष्टांग लेट के प्रणाम करते हो तो चिंतन करो कि ये धरती के ऊपर गुरुदेव के श्री चरण विराजमान है, और ये धरती माँ से प्रार्थना करो, ये धरती माता मेरे इस प्रणाम को मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में स्पर्श करवा दे, इमीडिएट होगा, काम होना ही है। वो पांच आपके तत्व है, उन पांचों तत्वों के साथ में गुरुदेव जुड़े हुए। उसके बाद आता है जल, जल तत्व को, जब भी आप जल पीने लगे गुरुदेव के श्री चरणों का स्मरण करेंगे, हे जल तत्व आप भी गुरुदेव के श्री चरणों के साथ में, आप भी उनके मुखारविंद के साथ में लगे होंगे, आप उनका मेरे को पान करा दीजिए। विशेष रूप से धरती और आकाश, हवा, सांस तो ले ही रहे हैं, सांस तो मजबूरी है लेना, लेकिन ध्यान से ले लें। ये मेरी साधना की
भीतर की बातें हैं, बच्चों के उत्पात हो जाते हैं, इनको पता लग जाए इधर रो रो के पागल हो जाएंगे, वो ठीक है। मतलब ये था मेरा संयोग जो था, मतलब एक जगह पे ना मुनि महाराज ने पढ़ा था, वो तो भूल गए, मैंने एक ही बार सुना था। वो कहते हैं दृगा जो दिशाएं हैं, जब भक्त जो हाथ खड़े करके दिशाओं हाथ खड़े करके भगवान नाम करता है हिलाते हुए, कहते उससे जो दिशाएं हैं वो पवित्र हो जाती है। ये उन्होंने एक बार बोला, पता नहीं उन्हें याद होगा कि नहीं मालूम, हमारे मुनि महाराज, तो दिशाएं पवित्र हो जाती हैं और पादाभ्याम जब वो चलता है नृत्य करता है तो धरती पवित्र हो जाती है, जब वो सांस लेते हैं तो वायु पवित्र हो जाती है। तो मैंने उस चीज को बचपन की बात है, बचपन नई जमानी की बात, नव किशोर की बात, तो उस समय मैंने सुना और ऑब्जर्व कर लिया। आज इतने सालों बाद में मैं सभा में इस बात को ओपन कर रहा हूं, नहीं तो अपने जो अंतरंग, जैसे तुम्हें भी मैंने बोला है, ऐसे मैंने ज्योति देवी को, इंदु देवी को, रंजना माता जी को, और हमारे गुरु भाइयों में जलंधर के दो गुरु भाई, तो पता नहीं करते हो नहीं करते हो, ऐसे करके कईयों को मैंने चीज बोली, आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से जुड़ना चाहिए, है ना। तो ये खैर आप लोग तो जुड़े हुए हो, ऐसे मैं अपराध ना करूं भैया आपका तो गुरुदेव का सब समय स्मरण रहता है, तो वही आपके जैसा स्मरण तो शायद मेरा भी नहीं, क्योंकि मेरे को तो इनके झंझट भी है, तो आपको तो प्रणाम है। तो ऐसे कई गुरुधाई हैं जो कि जुड़े हुए, लेकिन ये एक तरीका है। आज भी प्रकृति के पास में गुरुदेव के वो जो श्वास है ना, वो स्टोर है, क्योंकि ये पवित्र वस्तु है जो कभी भी प्रकृति नष्ट नहीं करते। हमारे श्वास तो, लेकिन गुरुदेव के मुखारविंद से निकले शब्द आज भी वो वर्तमान है। ये तो बड़ा सौभाग्य हम लोगों का, आजकल रिकॉर्डर्स है, जैसे हो निताई गौरांग, निताई गौरांग, सोचो कैसा वातावरण होता था, है ना। तो इसलिए समय हो गया, तम निर्वजम भरिगुण निधि भावना श्रद्धा रज्जन रतितर तम श्लोक मूलिम प्रद्यनंत कर्ण कुरै अंतिम नाम वानोरभासोपेक्षते महापातराशि परम पावन कृष्ण तार चरण निष्कपट श्रद्धा सहकर भजन यार नाम सूर्य भासन तरे प्रवेशी हंस करे महापाप अंधकार राशि, हंस करे महापाप अंधकार राशि। यही शिक्षा अष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम निहाते भजन क्रमे लीला रदनम प्रथम प्रथम श्लोक भजो के छुदिन द्वितीय श्लोक तब यहाँ तो प्रवीण चालीस श्लोक क्रमश भजन पक्व करो पंचम श्लोक निज सिद्ध देह भरो ये श्लोक सिद्ध देह राधा पद आश्रय आरंभ करी अक्रमे उन्नति उदय छह श्लोक भजते अनर्थ दूरे गेलो तब जानो सिद्ध देह अधिकार हिलो अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जये बुद्धि जन्मे शक्ति अभावे सावधान क्रम धरो यदि सिद्धि चाहो साधुर चरित्र देखे शुद्ध बुद्धि पाओ सिद्ध देह पे